अगर जयराम महतो का एंट्री देख करके ये नहीं कहेंगे कि किसी बड़े नेता से कम बड़ा काफिला और कम भीड़ के लोगों आप देखने को मिलेगा। ये देखिए टाइगर जयराम महतो का जो काफिला है मानो अभी ही मुख्यमंत्री के मतलब पद पर हो, और इस तरह का भव्य और भयानक रैली और टाइगर जयराम महतो का सभाओं में एंट्री, ये देखकर साफ समझ में आता है कि झारखंड में भौकाल क्या है टाइगर जयराम महतो का, झारखंड में झारखंडी भौकाली क्या होता है, सीखे कोई टाइगर जयराम महतो से। बिना पैसा का, बिना कच्चा का, बिना कोड़ी का, बिना कुछ धन बल का देख सकते हैं इस तरह का काफिला, स्वयं से खुद से लोग देखने के लिए लोग मुखबिर होते हैं, सामने आते हैं और एक झलक पाने के लिए टाइगर जयराम महतो का जो है सो बेकरार रहते हैं युवा, बस इस आशा को लेकर के विकास झारखंड में बदलाव हो, झारखंड में एक नई हवा आंधी तूफान जो भी कह सकते हैं वो देखने को मिल रहा है केवल केवल टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में। इस तरह का भोकाल शायद से झारखंड में पहला ऐसा कोई नेता होगा जो बिना खर्च का, बिना पैसा उड़ाए, खुद का पैसा उड़ाए, मतलब इतना बड़ा भोकाली, इतना बड़ा भोकाल टाइट होता हो झारखंड में, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या कोई बिना पैसा और बिना बलबूते का कोई ऐसा नेता है जो कि इतना बड़ा भोकाल टाइट करवाता हो, वो चाहे जीप हो, चाहे हजारों लाखों की संख्या में लोग हो, क्या स्वयं खुद मतलब मानो एक तरह से मोदी का लहर जो 2014 में था वो झारखंड में देखने को मिल रहा है। इस तरह से कह सकते हैं कि ये झारखंड का मोदी, झारखंड का मोदी ऐसे कम नहीं बोल सकते हैं। झारखंड से मोदी मोदी का तुलना करने का मतलब ये है कि जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी का मकान था, वो बिना पैसा दिए खुद से नरेंद्र मोदी के मतलब पानी को लेकर के लोग भेड़ी खुल जाते हैं, इस तरह का मकान आप देख सकते हैं। ये राजगंज का दृश्य है, पूरा चक्का जाम है सड़क में, और ये शायद झारखंड के नए युग का एक क्रांति है, नए समय का परिवर्तन का युग जो भी कह सकते हैं, एक परिवर्तन का लहर है और एक परिवर्तन का आस लोगों के भीतर में है। कहीं ना कहीं ये देखता है लोग कि टाइगर जयराम महतो के जरिए हमारा कुछ भला हो, यानी कि झारखंड का कुछ भला हो कह सकते हैं से। बाकी आप देख सकते हैं भोपाल के टाइगर जयराम महतो का ये स्वागत किस तरह से अपने आप में आकर्षित करता है। हालांकि टाइगर जयराम महतो इन सब चीज़ों का मुख्य नहीं है, वो बस ये चाहते हैं कि हमारा झारखंड कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे झारखंड के लोग यहाँ के सिस्टम के जरिए जो भी समझाएगा, यहाँ की जमीन खरीद पर और कोई दूसरा राज न करे, उनका बस ये सोचना है कि हमारे झारखंड के लोगों का हित कैसे हो, काम कैसा हो, इसके लिए हमेशा तत्पर है कि अभी तमाम लोग उनके ये कार जो है जीप जो है उसके मालाओं का ऐसा बारिश शायद से पहले कभी आप लोग देखे होंगे, और ये पूरा पूरा का पूरा चक्का जो है देख सकते हैं इनसे जाम है एकदम सड़क का। ये झारखंड के राजगंज राजगंज का है, धनबाद जिले के राजगंज, और राजगंज का दृश्य देख करके आपका अंदाजा हो जाएगा कि मुख्यमंत्री से कम नहीं है टाइगर जयराम महतो, और टाइगर जयराम महतो के सभी के सभी समर्थक पूरे दूर से होते हैं, और इसको पैसा देकर के नहीं देख सकते हैं कहा जाता है बार बार। कई बार इन्होंने सबूत रखते हुए कि हमारा जो भीड़ देखते हैं, हमारा जो भोकाल देखते हैं, ये भीड़ और भोकाल पैसे के भोकाल के बदौलत नहीं है सर, ये सब जनता खुद से परिवर्तन चाहता है, इसकी वजह से तमाम लोग जयराम के घूमते रहते हैं, और घूमना नहीं कह सकते हैं, अपने जयराम के जरिए अपने बदलाव दृश्य देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के हमेशा चल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो के जरिए हमारा यानी झारखंडियों का भला हो, झारखंडियों का दिन या समय जो भी बोले बदलते देखते हैं अपने आप को। और क्या सोचते हैं 2024 में आप लोग टाइगर जयराम महतो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएनएम हो, या कुछ हो, जो भी हो, इंडिया जो गठबंधन बोल सके उन पर भारी साबित होगा या नहीं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपनी राय जरूर रखें। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह का भोकाल है, और लोग छत पर चढ़ के देख रहे हैं टाइगर जयराम महतो को, ये भी दृश्य बड़ा ही अद्भुत है अपने आप में, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि ये टाइगर जयराम फेम का उपलब्धि बोल सकते हैं, फेम है, नाम है, और ये नाम और फेम जो है सो लोगों के दुख और दर्द समझ के लोग टाइगर जयराम महतो के जरिए अपने दुख
दुख और दर्द को कहीं ना कहीं देखते हैं कि अब आने वाले समय में कम इस चीज़ को लेकर के भीड़, ये भोपाल, ये जनसैलाब, ये काफिला और टाइगर जयराम महतो का कह सकते हैं एक तरह से कि एंट्री हो रहा है स्टेज पर, और एंट्री के दौरान गए दृश्य आप देख लें, मानो कि जीत का लहर घूम रहा हो और जीत की लहर में सब जनता जश्न में है और सब जश्न करते हुए फोटो खिंचाते हुए तमाम लोग जो है स्टेज पर बढ़ते हुए झारखंड के नए दिशा का एक लहर है और एक नया सोच है जिसको सभी जनता सलाम करती है, सभी जनता अपने आप को